हेलो फूडला बर्ड्स, कैसे हैं आप सब। अंजलि ड्रीम वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बेहद ही लजीज रस से भरपूर क्रीमी डिजर्ट रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मलाई चॉप की। मलाई चॉप जितना खाने में स्वादिष्ट और देखने में सुंदर होता है, उतना ही आसान होता है उसे बनाना। मलाई चॉप में स्पॉन्जी छेना का मज़ा तो मिलता ही है, उसके साथ इसमें अस्टर्ड क्रीम हमें इसे और खाने को मजबूर करता है। सो फ्रेंड्स, हम और वक्त नहीं गंवाते हैं और बनाते हैं मलाई चॉप। मलाई चॉप बनाने के लिए मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। आप गाय का ही दूध ले, इससे छेना अच्छा बनता है। हम गाय के दूध को बॉईल करेंगे और छेना बनाएंगे। दूध को हम बॉईल कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। आप चाहे तो हाई फ्लेम पे इसे बॉईल कर सकते हैं, और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, इससे इसमें जो मलाई है वो नहीं जमेगा। दूध बॉईल हो गया है, अब हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसे टाइम देख के इसे 2 मिनट के लिए रखें, 2 मिनट से ज़्यादा इसे हम ठंडा नहीं होने देंगे। मैंने एक कटोरी लिया है, उसमें हम 3 टेबल स्पून विनेगर लेंगे। आज हम विनेगर से छेने को फाड़ेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो 2 नींबू का यूज करें और इसे छान के दें। इसमें अगर 3 टेबल स्पून विनेगर डाले हैं तो 6 टेबल स्पून पानी डालेंगे। ये विनेगर हमारा रेडी हो गया है, 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे फाड़ेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं यह फटना शुरू हो गया और यह फट गया है अच्छी तरह से। फटने के बाद इसमें हम विनेगर का पानी नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसका इसका टेम्परेचर है तो नॉर्मल हो जाएगा और छेना हमारा टाइट नहीं रहेगा। मैंने एक बर्तन लिया है और एक ये कपड़े लिए हैं इस तरह से, और इसे हम इसे सीव कर लेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, इसमें अच्छी तरह से यह पानी निकल जाए। अब इसे हम 2 बार इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है, अब हम इसे इसे टांग देंगे 1-2 घंटे के लिए, जिससे पूरी तरह से इसका पानी निकल जाए। 2 घंटा हो गया है, अब हम इसे इसे बाहर निकालते हैं। अब देख रहे हैं ये पूरी तरह से ये मॉइस्चर निकल गया है। अब हम इसे नीड करेंगे अच्छी तरह, इसमें छोटे छोटे गुठलियाँ हैं वो हट जाए। इस तरह से हाथ से 7 से 8 मिनट के लिए इसमें हम नीड कर लेते हैं। यह स्टेप करना बहुत ही जरूरी है, इससे हमारा है जो मलाई चॉप अच्छा बनेगा। अब हम इसमें 1 टी स्पून मैदा डालेंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैदा डालने से बाइंडिंग है जो बहुत अच्छा होता है। 7 से 8 मिनट हो गया है, अब हम इसे लोई बनाते हैं। इसका इक्वल साइज में इसे हम डिवाइड कर देते हैं। अब हम एक लोई लेते हैं और इसे हथेलियों की हेल्प से इसे हम बनाते हैं। ये हमारे इस तरह से बन के रेडी हो गया है, बाकी के बचे हुए इसी तरह से बना लेते हैं। सारा पीसेस बन के रेडी हो गया है, अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हम 1 बाउल चीनी डाल रहे हैं। वजन से यह 160 ग्राम है। 1 बाउल चीनी लिए हैं तो 4 बाउल हम इसमें पानी डालेंगे। अब कोई भी बर्तन ले, सिर्फ चौड़ा रहना चाहिए। अब ये चाशनी को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे बस चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, अब हम 1-1 करके इसे डालते जाएंगे। हम एक एक करके डालेंगे कि ये टेम्परेचर चाशनी का वो कम नहीं हो। और इसे हम ढक के हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। 10 मिनट हो गया है, इसका कवर हटाते हैं और इसे हम पलट देते हैं। जैसे सारे पीसेस को हम पलट देंगे और इसे हम और 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं ढक। 7 से 8 मिनट हो गया है, इसका हम कवर हटाते हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल दुगना हो गया है और इसे मैंने टोटल 17 से 18 मिनट बॉयल किया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। जब तक छेना ठंडा हो रहा है, इधर मैंने एक बाउल में 2 टेबल स्पून
दूध लिया है, इसमें हम 10 से 15 केसर डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, इसे हम फिलिंग में यूज करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम 3/4 मिल्क पाउडर ले रहे हैं। आप मिल्क पाउडर की जगह मावा भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून मलाई, फ्रेश मलाई। सभी को हाथों से हम अच्छे तरह से मिला लेते हैं। जो मैंने केसर को दूध में मिला के रखा था उसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे हम बाइंड करेंगे। यह हमारा फिलिंग रेडी हो गया है। यह हमारा दूध का मिक्सचर भी बच गया है, इसे हम रहने देंगे। यह हमारा पीसेस है जो रूम टेम्परेचर पर आ गया है, इसे चाशनी से हम निकाल लेते हैं, या तो आप चाहे इस तरह से इसे दबा के भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम 5 से 10 मिनट रहने देते हैं, इसका चाशनी है जो निकल जाएगा। मैंने 1 पीस लिया है, इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसे हम बीच से कट करेंगे। अब देख रहे हैं इस तरह से मैंने कट कर लिया है, बाकी के बच्चे पीसेस भी इसी तरह से कट कर लेते हैं। बनाइए और इसका हम फिलिंग इसी के साइज का हम बनाते हैं। इसे हम साइड रख लेते हैं। मैंने इस तरह से बना लिया, इसी के शेप में मैंने इसे बना लिया है। अब हम इस पीसेस के बीच में डाल देंगे, दोनों पीस के बीच में इस तरह से हम डाल देंगे। वैसे इस तरह से यह हमारा मलाई चॉप बनके रेडी हो गया है। सारे पीसेस में इसी तरह से हम फिलिंग कर लेते हैं। हमारा सारा फिलिंग भर के रेडी हो गया है, अब इसे हम आपको कट करके दिखाते हैं। अब मैं 1 पीस को कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। सारे पीसेस को मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। मेरा मलाई चॉप बन के रेडी हो गया है। आप इसे घर पे ट्राई करें और इंजॉय करें। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो दिए गए लिंक पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।